चलिए अब इसका हम लोग यहाँ पर फोर नंबर देखते हैं। एडी दिया है 4, एई दिया है 8, डीबी दिया है एक्स माइनस 4 एंड ईसी दिया है 3x माइनस का 19। हमें फाइंड करना है एक्स। चलिए देखिए क्या दिया है। एडी दिया है, एई दिया है, डीबी दिया है, ईसी दिया है, सब तो दिए ही है ना। चलिए हम लोग देख रहे हैं, तो हमारे पास यहाँ पे ए डी ई और बी सी पैरेलल ना है जी, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं बाई बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या हो जाएगा, ए डी बाई डी बी इक्वल टू में ए ई बाई में ई सी। चलिए इन सब के वैल्यू को रख के सॉल्व करते हैं। तो यहाँ 4 बाई में डी बी आपका एक्स माइनस 4, ए ई 8 और ई सी 3x माइनस का 19। चलिए अब इसके बाद देखते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 12x माइनस का क्या हो जाएगा 76 इक्वल टू में 8x माइनस का 32। इसको इधर लाते हैं, 12x माइनस का 8x माइनस 32 प्लस का 76। यहाँ पर 4x हो जाना है और इधर आपका आ जाना है 44। ये जाएगा डिवाइड में तो x का वैल्यू 11 आ जाएगा, तो मैं x का ही ना वैल्यू से मतलब है 11 सेंटीमीटर हो जाएगा, है ना। देख सकते हैं।